गुड मॉर्निंग, मैं दीक्षा अठा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा अठा व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक हो गई। सो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिन के 2 बजे से। सो गाइस, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है Q&A पे। मैंने कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि आपको जो भी मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो कुछ लोगों के मुझे क्वेश्चन आए थे तो मैं उनका आंसर देती हूँ, और जिन क्वेश्चन के मैं आंसर दे सकती हूँ तो मैं उनके देती हूँ। मोस्टली लोगों के यही क्वेश्चन है कि आपकी शादी कब है। तो मेरी शादी है मई में, और ज़्यादातर लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि आपकी शादी की जो डेट है वो क्या है। तो 10 मई है मेरी शादी की डेट। मुझे ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों ने बोला है, तो मैं सबके नाम ले नहीं सकती हूँ। और एक क्वेश्चन ये है, मतलब मैं अभी पढ़ रही हूँ इन क्वेश्चन को, तो मतलब मुझे पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो एक सतीश है, सतीश दंगवाल, उनका क्वेश्चन ये है कि आपका ब्याह इतनी जल्दी क्यों रहा है। पहाड़ी में बोला है कि मतलब आपकी शादी इतनी जल्दी क्यों है। तो मतलब जल्दी नहीं, ठीक है, एज मेरी 21 प्लस हूँ मैं, 22 चल रहा है मेरा अभी, तो शायद ये एज ठीक है शादी की। और फिर रिलेशन को भी हमारे बहुत टाइम हो गया है, तो अभी ये एज मुझे ठीक लगती है शादी की। एक क्वेश्चन ये पूछा है मुझे विक्रम सिंह मेहरा ने कि आप गढ़वाल से हो या कुमाऊँ से हो। तो मैं कुमाऊँ से हूँ, और कुमाऊँ में पिथौरागढ़ से हूँ, UK 05 से। और दूसरा क्वेश्चन ये है, वेर आर यू फ्रॉम सिस्टर, ये बोला है अमन यादव। तो मैं उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से हूँ। और दिवाकर सोनार का मेरे को मैसेज आया है कि मतलब क्वेश्चन आया है कि पहचानता हूँ बचपन से पर बोलता नहीं हूँ। शायद मेरी दोस्त थी एक सोनार, कुछ संगीता सोनार थी, तो उसका भाई हो सकता है, वैसे मैं भी नहीं जानती हूँ। संजू सैम का मुझे क्वेश्चन आ रखा है, ऐसे ही हमेशा हैप्पी रहो, अच्छा लगता है, स्माइली फेस आपका, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे ना बहुत सारे लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ से हो। तो मैं सबको बताती हूँ कि मैं पिथौरागढ़ से हूँ, पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, और गांव का नाम मेरे कन्यूरी है। आप मेरी व्लॉग देखते होगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से हूँ। मतलब ना कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है अभी भी, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं उनको भी, और कुछ बहन है उनको भी भरोसा नहीं हो रहा कि मेरी शादी है या नहीं है। तो तनिषा पाठक का मैसेज आया मुझे कि दी आपकी शादी सच में है। तो हाँ, मेरी सच में शादी है, 10 मई को है। और नायक UK 05 का मुझे क्वेश्चन आया है कि आपने व्लॉग बनाना छोड़ दिया। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने व्लॉग बनाना नहीं छोड़ा है, बीच में कुछ ऐसे घर के काम चल रहे थे और शादी की बहुत सारे काम चल रहे थे, शॉपिंग वगैरह चल रहा था, तो तभी मैं व्लॉग बना नहीं पा रही थी। एक लड़की, उसका क्वेश्चन आ रखा है baby3304 करके आईडी है, उसका क्वेश्चन आ रखा है कि क्या मैं आपकी शादी में आ सकती हूँ। तो हाँ, आ सकते हो आप मेरी शादी में, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मना कर दूंगी। हेमेंद्र SSJ का मुझे मैसेज आया है कि डू यू हैव अ फ्रेंड फ्रॉम जयपुर। तो जयपुर में मैं किसी को नहीं जानती हूँ, कोई दोस्त नहीं मेरे वहाँ का। एक क्वेश्चन मुझे सोना नेगी का आया है कि आपकी सगाई हुई और आपने अपनी सगाई की फ़ोटोज़ नहीं डाली। तो हमारे में मतलब सगाई वाली कोई रिवाज नहीं है, तो हम पुरानी रिवाजों के हिसाब से ही चलते हैं, तो हमारे इसमें सगाई नहीं होती है। जो शादी होगी, शादी से 2-3 घंटे पहले ही आते हैं टीका लगाने के लिए, तो उसी में लेके आते हैं रिंग वगैरह, तो हमारे यहाँ सगाई नहीं होती है, तो तभी मैंने सगाई की कोई फ़ोटो वगैरह नहीं डाली। हिमांशु फोर यू का मुझे क्वेश्चन आ रखा है कि आपकी एज कितनी है। तो मैं 21 प्लस हूँ, 22 मेरा चल रहा है अभी। अपनी जो लव स्टोरी है वो बताने के लिए कहा है अंशु ने मुझे, Ansu0611। तो इसका मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगी शादी के बाद, तो उसके बाद ही आपको बताऊंगी स्टोरी पूरी। मेघा सिंह 012 का मुझे मैसेज आया है कि पहले पोज किसने किया आप में से, आपकी शादी कब है, व्लॉग डेली बनाना। तो व्लॉग मैं छोड़ूंगी नहीं, व्लॉग मैं बनाते रहूंगी, और शादी 10 मई को है जैसा कि मैंने आपको बताया। और प्रपोज करने की जो बात है, इस सबसे सारे रिलेटेड मैं सारी बातें आपको एक लव स्टोरी व्लॉग बनाऊंगी, तो उसमें बताऊंगी।
नित्या चौहान 95 का मुझे ये मैसेज आया है कि आप स्टडी में क्या कर रहे हो। तो मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है 2022 में और अभी मैं पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का डालूंगी। अभी मतलब अभी कुछ नहीं कर रही हूँ फिलहाल। गुंजन बुदला कुटी का मुझे मैसेज आया है कि क्या ही पूछूँ अब, शादी की बधाइयाँ तेरे को बहुत बहुत और भैया को भी। तो थैंक यू गुंजन, ये मेरे साथ की है मतलब कि मेरी क्लासमेट है एनसीसी की भी। एक जीरो क्रेजी जीरो का मुझे मैसेज आया है कि तुमने भाई में क्या देखा कि तुम्हें भाई पसंद आ गए, टेल मी 5 क्वालिटीज़। तो सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मुझे सिंपल ही लोग अच्छे लगते हैं। मैं खुद भी सिंपल हूँ तो मुझे दूसरे भी सिंपल लगते हैं, और केयरिंग है, और मतलब सबसे ज़्यादा है ना रिस्पेक्ट करना। मतलब मुझे तू तड़ा के सब शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं चाहती कि दूसरा भी मुझे बोले या मैं दूसरे को बोलूं। अब जो जैसे बोलेगा हम उससे वैसे बोलते हैं, बट उनका ये है कि वो हमेशा मुझे तुम बोलते हैं। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि तुम बोलना, रिस्पेक्ट। जब तुम किसी लड़की को रिस्पेक्ट दोगे तो मतलब सबसे बड़ा इम्प्रेशन यही होता है कि लड़की को किसी से रिस्पेक्ट मिलती है ना तो वो बंदा उसे बहुत अच्छा लगता है, भले वो उसके पति के रूप में हो या भाई के रूप में हो या किसी के भी रूप में हो। दीपिका रावत का मैसेज आया, आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो साथ में। तो थैंक यू दीपिका। एक क्वेश्चन मुझे ये आ रखा है कि आप दोनों के रिलेशन को कितना टाइम हो गया है और आप दोनों का रिलेशन कैसे स्टार्ट हुआ। वैसे ही रिलेशन को तो हमारे ये 6th ईयर चल रहा है, बाकी जो रिलेशन कैसे स्टार्ट हुआ तो इसका व्लॉग मैं बाद में बनाऊंगी। मोनिका का मैसेज है मुझे कि शादी की डेट क्या है दी, आप बहुत क्यूट हो, आपको शादी के जोड़े में देखना है। तो थैंक यू मोनिका, और शादी की डेट मैंने आपको बता दी 10 मई को है, और शादी के जोड़े में देख लोगे जल्दी, एक ही महीना बचा। आई मानस 10 का मैसेज आया कि अगर आपके बीच में कास्ट प्रॉब्लम होती क्या तब भी आप सर से ही शादी करती। तो ऐसा है ना कि जो चीज़ है ही नहीं तो हम उसके बारे में सोचें ही क्यों। अगर ऐसा कुछ होता तो वो उसी टाइम पर सोचा जाता है, बट ऐसा है नहीं तो सोचना ही क्यों जो चीज़ है ही नहीं। विवेक बिस्ट 09 का क्वेश्चन है कि मतलब स्कूल टाइम से रिलेशन है आप दोनों का। तो हाँ, हमारा स्कूल टाइम से रिलेशन है, मतलब मैं स्कूल पढ़ती थी और वो नहीं पढ़ते थे उस टाइम पे, उन्होंने 12th पास आउट हो गए थे। 2804 अदिति का मुझे मैसेज है कि दी आप दोनों कहाँ मिले। तो हम मिले थे फेसबुक पे, सबसे पहले मतलब फेसबुक पे देखा था एक दूसरे को। रावत जी 007 का मुझे मैसेज है शादी कब है आपकी और आप दोनों की एज क्या है। तो मैं 21 प्लस हूँ, 22 चल रहा है मुझे और वो 24 चल रहा है उनको अभी। मेघा सिंह 012 का मैसेज आया है कि शादी की शॉपिंग का व्लॉग डालो ना आप दोनों रोज, दीदी रोज। तो मतलब ऐसा है ना, मैं शादी की शॉपिंग अभी कर रही हूँ और वो अभी छुट्टी नहीं आए हैं, तो शादी की शॉपिंग मेरी तो हो गई है, मैंने हल्द्वानी से की थी और मैं व्लॉग बना नहीं पाई थी क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था मैंने आपको बताया था। और जब उनकी शॉपिंग करेंगे तो उस टाइम पे व्लॉग बनाऊंगी, उस टाइम आपको दिखाऊंगी शॉपिंग की वीडियो, मतलब उस टाइम बनाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। मानसी नेगी 52 का क्वेश्चन आ रखा है कि आपकी कभी लड़ाई होती भी है और होती है तो पहले सॉरी कौन बोलता है। तो हमारी लड़ाई होती है, हर रिलेशन में होती है लड़ाई, ऐसा नहीं है कि लड़ाई ना होती हो। एक क्वेश्चन मुझे चंदू का आ रखा है, पूरा नाम दिखाई नहीं दे रहा है इसमें क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया और 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया ना, मतलब जो मैंने पोस्ट करी थी उसको डाले हुए। तो उनका मैसेज मुझे आया है कि क्या तुम मतलब कि जब रिलेशन में आए तो उस टाइम पे सर भर्ती हो गए थे या नहीं हुए थे। तो वो भर्ती नहीं हुए थे, मतलब 2017 से हमारा रिलेशन चल रहा है तो वो भर्ती नहीं हुए थे, वो बाद में भर्ती हुए। इट्स नीलू 02 का मुझे मैसेज आया था, मतलब कि क्वेश्चन आया था कि आपके साथ सच में या अप्रैल फुल बना रहे हो। तो बहन, अप्रैल फुल सिर्फ एक ही दिन का होता है, पूरे मंथ तो अप्रैल फुल हो नहीं सकता है ना। तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सही है, कोई फूल वगैरह नहीं बना रही मैं आपको।
सो गाइज, ये थी मेरी Q&A वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। और गाइज, मैं आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो मैं मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा तो वो मैं किस उसमें बनाऊँ, मतलब कि किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ न्यू व्लॉग, तो जो आप बोलोगे जो मुझे ठीक लगेगा मैं कर पाऊँगी तो मैं वो व्लॉग बनाऊँगी। बाकी ये था मेरा आज की वीडियो और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।